Hi and welcome to the Good Home Show. आज हम एक बार फिर आपके साथ हैं the Good Home Show में. अनु, आज मैं तुम्हारे साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ. इस शो की वजह से मेरी लाइफस्टाइल में इतना फर्क आया है. कामिया, यही तो मकसद है हमारे द गुड होम शो का. क्योंकि अगर बदलाव नहीं आए तो चीजें काफी बोरिंग सी लगने लगती हैं. एक जैसा खाना, एक जैसा फर्नीचर, एक से रंग, कब तक खाते रहेंगे, देखते रहेंगे. इस बदलाव को लाने के लिए हमें चाहिए कुछ इनोवेटिव आइडियाज, कुछ आपकी, कुछ हमारे, और बस हो गया काम. हाँ, जैसे आज का हमारा शो ही ले लीजिए. आपके और हमारे घर में सबसे ज्यादा सब्जी कौन सी बनती है? आलू. वी गोना गो वे बियॉन्ड द यूजुअल. आलू गोभी, आलू सब्जी, आलू के पराठे. तो आज हम देखेंगे सम इंटरेस्टिंग वेरिएशंस टू आलू रेसिपीज. खाने के अलावा वेरिएशंस हम देखना चाहते हैं घर की हर चीज में. और आज हम आपको कुछ टिप्स देंगे फर्नीचर के बारे में. और इसके लिए मिलेंगे पूनम कालरा से, जो बहुत ही मॉडर्न फर्नीचर डिजाइन करती है. बिकॉज हर फर्नीचर इज लाइक सीइंग इज बिलीविंग. फर्नीचर के साथ साथ कुछ अलग तरह की एक्सेसरीज व्हिच विल गिव क्वाइट एन अनयूजुअल एंड डिफरेंट लुक टू द डेकोर ऑफ योर हाउस. ऑल दिस एंड मच मोर इन टुडेज द गुड होम शो. ये आलू भी क्या चीज है? इट्स लाइक अ स्टेबल डाइट. जब घर में और कुछ ना हो, और अगर हो भी तो टाइम ना हो, तो हम क्या बनाते हैं? आलू की सब्जी. और हाउ बोरिंग दैट इज. इसीलिए आज हम आपको देंगे कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस आलू के. और ये हमें बताएंगी ननी मित्तर. ननी इज अ फैशन डिजाइनर बट विद अ डिफरेंस. शी रिप्रोड्यूसेस एंटीक डिजाइंस एंड गार्मेंट्स. उनका दूसरा पैशन ऑफ कोर्स है कुकिंग. एंड उन्होंने दो किताबें भी लिखी हैं, वन ऑन पोटैटोस एंड द अदर ऑन मशरूम्स. एंड शी इज हियर विद अस टुडे टू शेयर दिस इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन विद अस. ननी, आप क्या बना के दिखाएंगे आज हमें? Anu, you are right. Potatoes are very versatile. आज मैं आपको potato dip बना के दिखाऊंगी. Potato dip? पहले हमने दो आलू बॉईल करे और उसको पील करके काट के और उसको मैश करना है. आप इसमें कुछ डालेंगे नहीं? अब मैं इसके अंदर मेयोनीज डालूंगी. दो आलू के अंदर 4 टेबलस्पून ऑफ मेयोनीज. मेयोनीज आपने पहले से बनाई हुई है? Can you get this in the market? नहीं, घर में बनाई है, पर मार्केट वाले भी डाल सकते हो. अच्छा. So it'll be much easier now to mash these up. So after that, you have to add garlic in it. These are about 6 cloves of garlic. Then you add salt and pepper in it, according to the taste. So 6 cloves of garlic, salt, and then a little bit of pepper. Yeah. That's according to the taste, however much you like. Achha. And then juice of 2 lemons. 2 lemons? Yeah. Ye lemons aapne isme kyun dale? Just adds to the taste? Dip, haan, thodi si. Khattapan achha lagta usme. Then you mix these potatoes properly. और अगर इसे आप व्हिप करेंगे इसको? हाँ जी. अच्छा. और अगर इसको पतला बनाना है देन यू कैन ऐड मिल्क इन इट, अदरवाइज लीव इट एज थिक एज इट इज. अच्छा जी. द डिप इज रेडी. दैट्स इट? या इट्स रेडी. ऐसे ही खा सकते हैं इसको? हाँ. इट्स डिलीशियस नानी. आपने इसमें जो आई थिंक लेमन डाला है ना, दैट्स मेकिंग ऑल द डिफरेंस. इट टेस्ट ग्रेट. Anu, now I'll show you another very easy starter. Okay. This is called mushroom cap stuffed with potatoes. Okay. ये मशरूम जो है इनके हमने स्टेम्स उतारनी है. अच्छा. And you have to take them off very carefully. अच्छा. टूटनी नहीं चाहिए. So, इनको थोड़ा सा लूज करके लाइक दैट. इसी मैनर में सारी मशरूम्स की कैप्स हमने सारी स्टेम्स को बाहर निकाल देना. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी चॉप दीज स्टेम्स. अच्छा. चॉप छोटा छोटा चॉप कर रहे हैं. I've already done the chopping bit. This is how I you see. Chop these. Okay. अब हम जरा गैस चलाएंगे. पहले 1 टीस्पून बटर के अंदर हमने ये स्टेम्स को कुक करना है, द फिलिंग. जैसे ये बटर मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर यू आर सपोज टू ऐड द मशरूम स्टेम्स. वी जस्ट फ्राई इट अ वी बिट. बस ये थोड़ा सा फ्राई हो गया तो उसके अंदर आप ये जो एक मैश पोटैटो मैंने रखा हुआ है, ये मैश पोटैटो डाल दें. अच्छा, ठीक है. एक मैश पोटैटो जी. पर अब इसके अंदर हम नमक और काली मिर्च डालेंगे. ओके. इट्स स्मेलिंग डिलीशियस ऑलरेडी. लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट टू टेस्ट. ओके. इसको नॉन स्टॉप मिक्स करते रहना होगा आई थिंक. यस. यू कैन ऐड सम ग्रीन धनिया. अच्छा. चॉप ग्रीन चिलीज. ओके. अब ये हमारी फिलिंग तैयार हो रही है.
जो कि हम मशरूम कैप्स के अंदर भरेंगे. तो इसको कितनी देर कुक करना है आप? Just it's ready. Already? Yeah, just 1 minute. That's it. Your recipes are really good, huh? They're ready like in 2 minutes. So now the filling is ready. Once the filling cools down a wee bit, now we take these mushrooms. We stuff the potato mixture into these caps. कच्चे मशरूम में आप ये पोटैटो का मिक्सचर डालेंगे. Now what you have to do is you take two mushrooms together. हाँ. और इनको कट्ठा करके. सैंडविच बना दिया. जोड़ के. Take a toothpick. Okay. And join them together. और आप क्या करें? अब अनु ये मशरूम कैप्स तैयार हो गई हैं. तो अब हम ये मैदा लेंगे. This is 1 cup of मैदा. Okay. और इसके अंदर 1 teaspoon of बेकिंग पाउडर. Okay. Add that. अच्छा. और नमक और काली मिर्च खाने के अनुसार. ठीक है. इसका हमने कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है जो कि इसको कोट कर दे अच्छी तरह से मशरूम को. सो उतना ही पानी डालना है जिससे कि कंसिस्टेंसी शुड बी फॉर कोटिंग यू नो द मशरूम्स. नाउ दिस मिक्सचर इज रेडी अनु. नेक्स्ट आई नीड अ फ्राइंग पैन प्लीज. अब ये डीप फ्राई करने हैं तो बहुत सारा ऑयल डालना. बहुत सारा नहीं, जिसमें डूब जाए मशरूम्स, इतना तेल हो जाए. अब ये मशरूम कैप्स को आप इस मैरिनेट में डिप करके और हॉट ऑयल में डाल दीजिए. अच्छा. तो बस अब इतने ही गोल्डन ब्राउन करने हैं और निकाल लेने हैं. अभी और होएंगे. अच्छा. फिर अंदर से पक जाएंगे. ये मशरूम्स हैं. As I told you, कच्चे भी खा सकते हो, but since you don't like the taste of the, yeah, the you know, mushrooms raw, you have to fry them a wee bit more. Are they ready? हाँ नो. अब आप please मुझे kitchen paper दे दीजिए. इसको कहाँ रखूँ? आप इधर रख दीजिए, मैं इनको drain कर लेती हूँ. अच्छा, working surface पे भी आप रख सकते हैं. हाँ जी. अब ये सोख होने के बाद अब ये बास्केट देंगे ना. अच्छा. इसके अंदर आप इनको बस डाल दीजिए. ओके. जस्ट सर्व देम इन दिस. पोटैटो चिप बनाने के लिए आपको चाहिए आलू 2, मेयोनीज 4 बड़े चम्मच, गार्लिक 6 cloves, सॉल्ट स्वाद अनुसार एंड जूस ऑफ 2 lemons. सबसे पहले 2 आलू को बॉईल करके मैश करें. अब इसमें मेयोनीज डालें और दोबारा मैश करें ताकि कोई लम्स ना रहे और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए. अब गार्लिक सॉल्ट एंड पेपर ऐड करें और साथ में नींबू का रस भी मिला दें. थोड़ी देर और विप करें. आपका पोटैटो डिप तैयार है. स्टफ मशरूम बनाने के लिए आपको चाहिए मशरूम 1 packet, आलू 4, बटर 1 छोटा चम्मच, नमक और काली मिर्च स्वाद अनुसार और मैदा 1 cup. सबसे पहले धीरे से मशरूम्स के स्टेम केयरफुली अलग करें. इन स्टेम्स को बारीक पीसेस में चॉप करें. 1 छोटे चम्मच मक्खन में चॉप मशरूम स्टेम्स को फ्राई करें और इसमें मैश्ड आलू डाल दें. अब नमक, काली मिर्च और धनिया डाल दें. इस फिलिंग को अब आप मशरूम कैप्स में स्टफ करें. 2 मशरूम्स को मिलाकर 1 toothpick से जॉइन करें. 1 cup मैदे में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिला दें और नमक और काली मिर्च भी ऐड करें. थोड़ा सा पानी मिलाकर थिन कंसिस्टेंसी का मैरिनेट बनाएं. मशरूम कैप्स को मैरिनेट में डिप करके डीप फ्राई करें. स्टफ्ड मशरूम्स तैयार हैं. तो ये थे आलू एंड मोर आलू. बट यू वेट वॉचर्स जस्ट वॉच इट. और अब कुछ ऑप्शंस फर्नीचर पे. काफी डिफरेंट तरह का फर्नीचर, ऑलमोस्ट यू कैन से फर्नीचर फॉर द न्यू मिलेनियम. पूनम का घर देखकर अब आप खुद ही तय कर लीजिए कि आप अपने पुराने फर्नीचर के साथ क्या करने वाले हैं. जमाना बदल गया. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द न्यू मिलेनियम. इट इज डेफिनेटली टाइम टू बी डिफरेंट. और मशहूर आर्किटेक्ट दीपक एंड हिज वाइफ पूनम कालरा ने तो बनाया है अपने घर को बिल्कुल ही डिफरेंट. फर्नीचर है अनयूजुअल और फंकी. डिजाइन तो अलग है ही, फर्नीचर का रंग तो बहुत ही ब्राइट है. शोली द लुक ऑफ द फ्यूचर. दिस ब्यूटिफुल हाउस हैज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड फंकी काइंड ऑफ फर्नीचर जो पूनम ने खुद डिजाइन किया है, रादर क्रिएट किया है.
मैडम ये बताइए आपके घर में बहुत ही अनकन्वेंशनल किस्म का फर्नीचर है. आई मीन इट्स नॉट द नॉर्मल फर्नीचर व्हिच एवरीबॉडी हैज इन देयर हाउस. ये आपने कैसे सोचा? आई एम ग्लैड यू थिंक सो बिकॉज मी एंड माई हस्बैंड हमने बहुत टाइम लगाया ये डिसाइड करने में कि हमें किस तरह का फर्नीचर चाहिए. We wanted it to be very different, very unusual. और जिस तरह से ज़्यादातर लोग unusual तो certainly है. जैसे लोग ज़्यादातर sets में पड़ जाते हैं. We wanted to just deviate from that and get into abstract free-flowing forms and shapes. अगर आप sofa देखेंगे तो एक दूसरे से relate करता है in totality. अगर आप कहें कि ये उसका set है या वो उसका set है वैसा नहीं है. और इन unusual और colorful sofas को और highlight करता है ये innovative center table. लोहे के गर्डर्स पे शीशे का स्लैब और बन गया एक डिफरेंट लुकिंग टेबल. पूनम का कारपेट भी कुछ अलग ही है. एंड इक्वली फंकी एंड अनयूजुअल आर हर लाइट सोर्सेस. पूनम अक्सर ये सोचा गया है दैट दिस अनकन्वेंशनल किस्म का जो फर्नीचर होता है या बिजार्ड फर्नीचर इज नॉट रियली कंफर्टेबल. डू यू थिंक सो? कामिया, आर यू सिटिंग ऑन अ चेयर? Would you want to get up and say that this is not a comfortable people well, chair? Well, to be frank, initially when I was going to sit on it, I thought, but now it's really comfortable. Design is definitely one aspect, lekin humne functionality aur comfort ka utna hi dhyan rakha hai, balki shayad kisi case mein bahut zyada rakha hai. Jaise is chair ko hi dekhiye, hai to ye inspired with wheel ki shape se, isliye iske backrest ko diya gaya hai tail ka aakar. Aur ye hai rassi aur lakdi ki bani hui ek kursi. डिजाइन तो अलग है ही, ये कुर्सी काफी कंफर्टेबल भी है. एंड दिस ब्राइट ब्लू सोफा इज पूनम्स फेवरेट प्लेस फॉर रिलैक्सिंग. पूनम का ब्रेकफास्ट टेबल भी काफी अनयूजुअल है. यू कुड एक्चुअली मिस द होटल टेबल टॉप फॉर अ टेबल फ्लोर. एंट्रेंस एरिया को लाइट अप करने वाला ये सीलिंग लैम्प भी है कलरफुल और फंकी. और इसी तरह पूनम ने दिया है अपने डाइनिंग एरिया को भी एक नया लुक. स्टार्स, मून और सन के थीम पे बने ये रॉट आयरन फर्नीचर आर एनी डे बेटर देन योर नॉर्मल बोरिंग वुडन फर्नीचर. पूनम, हमारे पीछे जो शेल्विंग यूनिट है जहां आपने बहुत ही पुराने केटल्स और स्टोव रखे हुए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए. पहले तो ये चीजें इकट्ठी की गई, जहाँ जहाँ जाते थे कुछ ना कुछ इकट्ठा करके लेके आते थे. अब उसको हाउस करना एक प्रॉब्लम बन गई क्योंकि हमारे घर में निशेज वगैरह नहीं है. सो वी हैव टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर हाउसिंग डोर. सबसे आसान तरीका और सबसे सस्ता तरीका जो हमें समझ में आया वो लाइक पिक अप आम की लकड़ी, प्लांट्स काट के बर्न करके वार्निश करके बस यहाँ पे हमने जोड़ के रख दिया. और अभी भी आप देखेंगे इसमें स्पेसेस खाली हैं. आई कैन कीप एडिंग, यू कैन कीप पुटिंग मोर. सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्सेटिलिटी टू द सिस्टम. Pune, what about your bed? I think one look at it and it looks comfortable. Kamiya, when we did up our house, we delved a lot into lakdi. अपने बेडरूम के लिए हम चाहते थे एक बहुत ही कोजी इंटीमेट लुक और वो लकड़ी के सिवाय किसी और मटेरियल से नहीं आ सकता. प्लस वी वांटेड इट रियली लो. इट वाज ऑलमोस्ट एज इफ इट वाज नॉट देयर. एग्जैक्टली. सो दैट विजुअली ऑब्स्ट्रक्शन ना हो. इट्स अ वेरी कंफर्टेबल, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी फंक्शनल बेड. एंड द वे इट कर्व्स अप, इट्स गॉट ऑल द मूवमेंट्स टू इट, ऑल द फ्लूइडिटी टू इट. पूनम, योर कंसोल्स आर अनदर वेरी ब्यूटीफुल फीचर. टेल अस समथिंग अबाउट दैट. जो सबसे पहले कॉन्सोल आपको नजर आई होगी और जिस पर ध्यान गया होगा वो मर्लिन मोनरोज लिप्स एंड मोल से इंस्पायर्ड है. दोस ग्लोरियस रेड लिप्स यू कांट सी एनीवेयर. दे कांट बी एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉन्सोल इज अब घर में इतनी चीजें हैं जो आप रखना चाहते हो, जो खुद देखना चाहते हो, दिखाना चाहते हो. अर्लियर इवन टुडे पीपल यूज्ड टू गेट इनटू शेल्विंग ग्लास लाइट ऑल दैट पुट लिटिल थिंग्स इनटू इट. बट आई फील Giving a breather to the space is very important. That's why we've gone in for open kind of pieces like the consoles. अगर आप ध्यान दें तो हमने उसके ऊपर ग्लास के बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले करे हैं, रखे हैं, which are very attractive and catchy. किसी पे स्कल्पचर्स रखे हैं, but they are very very functional. Like in our study, we've got a complete copper system arrangement. Whereon you can actually sit and use it as a desk. You can put your art pieces there. कहीं पे आप sculptures रख सकते हैं, कहीं पे clock, music system, even a television can be housed on that. Right. So ultimately, it's a question of what you want and where you require it.
अब डाइनिंग रूम में हमको स्टोरेज चाहिए थी, आफ्टर ऑल प्रॉपर्टी को तो कहीं जाना ही है. बिल्कुल. सो वी क्रिएटेड अ साइड बोर्ड व्हिच इज अ लॉट ऑफ स्टोरेज ड्रॉर्स एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुली अमलगमेटेड विद द डाइनिंग सेट. इट्स फॉर बोथ आयरन एंड वुड इन इट. या आई थिंक इस किस्म की चीज कोई भी नहीं करता कभी. फ्यूचरिस्टिक लुक सिर्फ फर्नीचर तक ही सीमित नहीं बल्कि आजकल तो एक्सेसरीज भी काफी अनयूजुअल और कलरफुल हो गई है. एक्सेसरीज हैव नाउ एक्वायर्ड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंटीरियर डिजाइनिंग. ये बन गए हैं टोटली डेकोरेटिव और इन इनोवेटिव एक्सेसरीज को देखने पर ये समझना काफी मुश्किल हो जाता है कि ये सिर्फ एक्सेसरीज हैं और आर आर्ट पीसेस. ये बेसिकली टू इन वन, दे आर आर्ट पीसेस कन्वर्टेड इनटू यूटिलिटी आइटम्स जो डेली यूज में हम लोग लाते हैं. कैबिनेट हो गई, टेबल्स हो गई, लाइट्स हो गई. क्योंकि इतना बड़ा स्कल्पचर अगर एक कोने में पड़ा रहे और फिर पर्पस सॉल्व ना करें, मेरे ख्याल से वो एकदम यूजलेस है. बेसिकली दे ऑल इन वन. पेंटिंग भी है इसके अंदर, स्कल्पचर भी है. मैं काफ़ी सारे मीडियम्स डिफरेंट यूज़ करता हूँ. जैसे आप देखते होंगे पुटी है, फाइबर ग्लास है, वुड है, रॉट आयरन है. ये पीसेस जो है बेसिकली दो पर्पस सॉल्व करते हैं. एक तो ये आर्ट पीसेज हैं और दूसरा ये फंक्शनल भी हैं, फर्नीचर आइटम्स हैं. लाइफ इज बिकम्स मोनोटोनस. लोग जो रोज फर्नीचर जो दिखता है उसको देख देख के बोर हो गए हैं. इवन आई वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू, आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट, शो देम समथिंग डिफरेंट, शो देम द पॉसिबिलिटीज ऑफ द सेम थिंग. Tables that I've done, they're not basically conventional tables that you get to see every day. रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर इसके अंदर मैंने क्या किया है, स्कल्पचर्स वगैरह आपने सारे के सारे कंबाइन करके वुड के साथ, ग्लास के साथ, रॉट आयरन के साथ उनको एक यूटिलिटी आर्ट पीस में कन्वर्ट कर दिया है. और बाकी के जो मेरे मेटल के टेबल हैं, दे ऑल हैंडमेड पीसेस. एक एक पत्ता, एक एक फूल हाथ से काट के बनाया गया है. उसके बाद उसका प्राइमर किया जाता है, फिर देन वी पेंटेड विद आवर ओन हैंड्स एंड देन वी वार्निश इट. मैंने पीसेस बनाए हैं बेसिकली यूटिलिटी आर्ट पीसेस हैं, थ्री डायमेंशनल स्कल्पचर्स हैं जो कि मैंने रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीज़ों में कन्वर्ट कर दिए हैं. जैसे कि ये कैबिनेट जो यहाँ पड़ी हुई है, इस स्कल्पचर को मैंने कैबिनेट में कन्वर्ट किया है. मैंने अपने सारे पीसेस को या तो टेबल्स में या कैबिनेट्स में या लाइट्स में, इन सब चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया है. एक्सेसरीज आई थिंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटीरियर्स. जैसे आपके पास सोफा वगैरह तो होता ही है, साथ में टेबल होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट उसके साथ क्या, हाउ कैन वी मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. सो दैट इज़ वेयर द एक्सेसरीज कम इन, लाइक अ लैम्प शेड. अ नाइस ब्यूटीफुल लैम्प शेड लाइंग इन वन कॉर्नर कैन चेंज द लुक ऑफ द रूम कम्प्लीटली एज फार एज लाइटिंग इज कंसर्न्ड. एंड अदरवाइज ऑल्सो एटमॉस्फेयर पूरा का पूरा आपका एम्बियंस चेंज हो जाता है उसके साथ. अगर आप काफ़ी बड़ा मिरर लगा दें, स्पेशली विद अ ब्यूटीफुल फ्रेम, then it can, apart from serving the purpose of a mirror, it can add another dimension to the room. And even something like a dustbin, a small dustbin ye jo aap dekh rahe hain, agar isse bhi aap achhi tarah se ek kone mein rakhe to mere khayal se kafi farak pad sakta hai. The most interesting thing about these pieces is that in spite of being serious conceptual works of art, they have a certain element of fun, humor in them. They're absolutely wild, wacky, they're bright, colorful, full of life. Agar aap ek bhi piece apne ghar mein lagayenge to ekdam aapka ghar lively ho jayega. What was that? Art or furniture? Well, whatever it was truly mind-blowing. It really was, Anu. You know, मैं क्या सोच रही हूँ? हाँ. अपने पुराने कवर को बदल के निखिल का एक फंकी कवर ले आऊँ. What do you say? Of course, very good idea. Yeah. भाई, storage space का ये थोड़ी मतलब होता है कि हम उसे खूबसूरत ना बना सकें. Beauty can be incorporated anywhere. So funky furniture is here to stay. The wild, wacky look is the look of the new millennium. और जैसे आपने देखा, हाईली स्टाइलाइज होने के बावजूद ये काफी फंक्शनल भी है. ये तो थे थोड़े से आइडिया जो हमने आपके साथ शेयर किए. इस तरह के अनेक आइडिया तो आपके पास भी होंगे. कितना अच्छा होगा कि हमारे आइडियाज आप तक जाएं और आपके आइडियाज हम तक आएं. फिर तो घर की सजावट कुछ और ही होगी. ये तो तभी हो सकता है अगर आप हमें लिखकर बताएं कि आप हमारे प्रोग्राम में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. हमारा पता है The Good Home Show, Set India Limited, PO Bag Number 12101, Azad Nagar Post Office, Andheri West, Mumbai 400053, India TVC. Competition postcards padhi likhi. तो अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज लेके दैट विल मेक योर होम अ गुड होम. सो टिल वी मीट अगेन फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ द गुड होम शो,
Happy living.